आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक न्यू बॉर्न बेबी शूज बताने वाली हूँ जो कि क्रोशिया से बनता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आरती अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो इस बेबी बुटीज के लिए आपको कोई भी दो कलर का 4-ply ऊन लेना है और आपके पास जो भी क्रोशिया उपलब्ध हो वो क्रोशिया आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बुटीज के लिए आप 15 चेन बनाइएगा। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 देखिए 15 चेन मेरा बन गया है। फिर उसके बाद डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन में से हमको बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये जो 15 चेन बना है उसे एक एक करके डबल क्रोशिया हमको पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, ये 0 से लेकर 6 महीने तक बेबी के लिए शूज है जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा, बनाकर देखिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 20 चेन डालिएगा तो फिर वह 1 से 1.5 साल बेबी के लिए बन जाएगा। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे और एक लंबी सी पट्टी बना लेंगे। कम से कम ये लाइन हमको 25 बनानी है तब जाकर आपके बेबी को आएगा। देखिए एक लाइन बन गया है। देखिए फिर मैं एक लाइन और आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा लाइन बना रहे हैं हम डबल क्रोशिया डालते हुए। आप ऐसे ही हर चेन में बनाइएगा तो आपका ये डिजाइन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा तभी आप लोग ये शूज बना सकते हैं और अपने बेबी को पहना सकते हैं। अब ठंड आने वाली है, बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद ये बेबी शूज। देखिए इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं 2 लाइन बताई हूँ, आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो फिर ये आप 25 लाइन की एक लंबी सी पट्टी बुनिए तब तक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना बड़ा बुन ली हूँ, बना ली हूँ और आगे एक लाइन आपको और बता देती हूँ। देखिए एक लाइन और आपको बता रही हूँ, ये लास्ट है और उसके बाद हम इसकी अब सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया ये पूरा पट्टी हम बना लेंगे, कम से कम 1 बित्ता का है तो आपके बेबी का पैर इसमें आ जाएगा या अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे करके मोड़ देंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई ऐसे कर लेंगे। आप सुई की सहायता से या क्रोशिया की सहायता से दोनों से आप इसको सिल सकते हैं। तो मैं आपको सुई से सिलकर बता रही हूँ।
देखिए इसी तरह आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको फिर हम इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर ये तीन उंगली आप यहाँ से छोड़कर यहाँ से सुई की सहायता से आप इसे ऐसे करिएगा। तो ये सूज का डिजाइन बन जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पर एक नॉक डाल देंगे या सिलाई भी कर लेंगे मजबूती से। देखिए और फिर ये दूसरे कलर के ऊन से हम यहाँ से ये किनारी बनाएंगे। देखिए देखिए ये दूसरा कलर के ऊन लिए लेकर इसका हम किनारी बनाएंगे। देखिए दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 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 दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका किनारी हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा इसका किनारी बन गया है। देखिए और अब ये मैं आपको रोज बनाना बता रही हूँ, तब यहाँ पर आपको सिल के बता दूंगी। इसके लिए आप 5 चेन बनाइएगा, फिर इस तरह से इसे गोल बना लीजिएगा। देखिए फिर इसमें डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन को पूरा भरेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया डालते हुए मैंने इसको भर लिया है। अब ये आप 3 चेन बनाएंगे और फिर ये 4 डबल क्रोशिया छोड़कर इसमें आप इसको फंसाइएगा। देखिए फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ फंसाएंगे। देखिए इस तरह से हम 5 बार करेंगे तो ये 5 पत्ती बन जाएगा। तो इसमें फिर हम डबल क्रोशिया डालकर इस फूल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं एक बता रही हूँ।
डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन में हमको चार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रोज बन गया है। तो मैं आपको इस पर सिलाई करके बता रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा कैसे इसको सिलना है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एक पॉम-पॉम भी बनाकर लगा सकते हैं और एक फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से हम ये रोज को मजबूती से सिलाई कर लेंगे तो ये और सूज बहुत ही बनकर सुंदर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये बेबी बूटीज। तो अगर ये आपको बेबी बूटीज अच्छे लगे, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।